हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुडे। आज हम बात करने वाले हैं आपका बीपीडीओ का पेपर जो आपका हुआ था 25 फरवरी 2018 को, ठीक है ना। तो ये आपका 25 फरवरी 2018 को हुआ था, तो इस पेपर के बारे में हम क्या कर रहे हैं आज बात करने वाले हैं। और बीपीडीओ का पेपर पूरा सॉल्यूशन होगा और ये आपका उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के आपके यूके एसएसएससी के द्वारा ये कराए गए थे, ठीक है ना। तो यूके एसएसएससी के द्वारा कराया जाता है ये पेपर, उनके लिए सॉल्यूशन है। जिन्होंने ये पेपर नहीं दिया था वो इसमें एलिजिबल नहीं थे, और ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने ये पेपर दिया है और उनका काफी कंफ्यूजन है, तो वो भी इस पेपर को देख सकते हैं। इसको मैं फुली सॉल्व करवा रहा हूं किस तरीके से आपको एग्जाम पर्पज के लिए सॉल्व करना था, ठीक है। तो चलिए फिर पहले से रफ कर देते हैं। और तो अब देखिए सबसे पहले, ठीक है ना, तो चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर लिखा हुआ है कि हिंदी शब्द कोश में आपका जो त्र किस वर्ण के बाद आता है, त्र आपके इसमें त वर्ण के बाद आता है। यहां पर ये जो बात कर रहा है ये आपके हिंदी शब्द कोश की बात कर रहा है, तो कंफ्यूज मत कीजिए, ये यहां पर हिंदी शब्द कोश की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको, आप बहुत से लोगों ने इसका अक्षौ आंसर मारा है, पर अक्षौ इसका आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो हिंदी शब्द कोश की वो बात कर रहा है, इसीलिए, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, दूसरे क्वेश्चन में जो लिखा गया है आप इसे पढ़ लीजिएगा और मैं इसमें समझा रहा हूं। इसमें ये कहने का मतलब है उसकी एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है और वो मरा नहीं है, तो इस ऐसी सिचुएशन को जब वो उस मतलब एक खबर को पढ़ता है या उस चर्चा को लिखता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपका न्यूज पैग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसमें लिखा है कि अब चला जाए, ये किस तरीके का वाक्य है, तो ये भाववाचक है क्योंकि वो उसमें उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उसने सोचा है कि अब चला जाए। ओके, जो औलाद है वो किस भाषा का शब्द था, तो वो आपके आपका अरबी भाषा का शब्द था, ठीक है ना। तो ये बहुत से लोगों ने सही मारा हुआ इसका आंसर। ओके, तो चलिए बात करते, ठीक है। अब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे नहीं मिला था, तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था वो आपका माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला था, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अब यहां पर क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, इसमें ये कहा गया था कि संज्ञा, जो संज्ञा है ना वो आपका क्रिया पद के साथ शुद्ध बना रही, तो इसका आंसर था आपका जल की मात्रा, ठीक है ना, ध्यान रखिए। ओके, अब यहां पर क्या है, जो महापंडित है वो किसे कहा जाता है, तो आपके राहुल आपका, ठीक है, आपका संक्रत्यान को कहा जाता है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें लिखा गया था कि वो खंभा गिर जाएगा, पहली बात सुनिए, वो खंभा गिर जाएगा, वो खंभा गिरेगा, ये क्या है इसका मतलब, उसे उस जो भी आदमी उस खंभे को देख रहा है उसको एकदम कंफर्म पता है कि हाँ भाई वो खंभा गिरेगा, तो एक तो पहले निश्चयवाचक है और निश्चयवाचक के वो क्या हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण हो रहा था, ठीक है ना। अब यहां पर क्या, जो भक्ति साहित्य है, जो अष्टछाप, एक बात हमेशा आज के बाद ध्यान रखिए, अष्टछाप आएगा, अष्ट दिग्गज आएगा, अष्ट कवि आएगा, तो जितने भी अष्ट है ना तो एक कवियों का समूह था, इसीलिए इसका आंसर आपका 8 कवि था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, यहां पर लिखा है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, देखो ये यहां पर किसी ने यमक अलंकार मांगा, ये यमक अलंकार हो सकता था बट ये यमक अलंकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताते हैं आपको, क्योंकि यमक अलंकार की जो परिभाषा है आप उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर एक शब्द बार बार रिपीट हो और उसका अर्थ बार बार आए तो तब जाके यमक अलंकार है, बट इसका अर्थ बार बार नहीं आ रहा है, तो इसीलिए जो ये आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या था, एक जो आपका हम लोग एक धारावाहिक था जो आपका दूरदर्शन में होता था, किसके द्वारा ये लिखित गया था, तो ये मोहन श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया था। अवनी, अवनी शब्द का जो विलोम है वो क्या होता है आपका अंबर होता है, ठीक है। आपका संखेश्वरिया जो आपके संधि है वो क्या है आपकी यण संधि है, ठीक है, ध्यान रखिए। ये पहली बार मुझे पेपर में दिखाई दिया है और काफी पेपरों में नहीं आया है ये आपका, तो और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्या पता ये रिपीट हो जाए तो उसको याद रख लीजिए। ओके, जो द्वितीय विश्व सम्मेलन आपका हुआ है वो कहां हुआ था, वो आपका मॉरिशस में हुआ था, और कब हुआ था, तो यहां पर डेट लिखी है 1976, आपका 28 से आपका 30 अगस्त को ये आपका हुआ था। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है, ये जो 15 क्वेश्चन था इसका मतलब क्या था, इसका मतलब पहले समझते हैं, ठीक है, इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर सपोज कोई नया बंदा आता है तो हम उसका पूरा विवरण अगर जानते हैं या पूरा विवरण वो हमें देता है या कार्यसूची पूरी बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं वो आपका कार्यवृत्त कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होता है, ठीक है। कदम, कदम का जो पर्यायवाची क्या होता है आपका कीच होता है, तो इसका ऑप्शन क्या है आपका ए है। बात करते हैं आगे, अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपका विस्मयादि बोधक वाक्य। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 था, देखो आप अब पेपर जब यूके एसएससी के पेपर देख रहे होंगे, ध्यान रखिए यूके वैसे ट्रिपल एस होता है, यूके एसएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, ये जो बना है आपका 2014 में बना हुआ है, ठीक है, और आई थिंक अगर डेट बताया जाए तो 17 सितंबर के आसपास ये बना हुआ है,
ठीक है ना, और 2014 में बना हुआ है यूकेएसएससी। ये इसलिए करवाया गया था ताकि ये सारे उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होंगे ये उनको क्या कराएगा, कंडक्ट करवाएगा, ठीक है ना। और तो हम कहाँ थे, हम आपके क्वेश्चन नंबर 18 में थे। और जो आपका गर्ल्स होता है, देखो जो ये डेट है ना 17 सितंबर, ये काफी बहुत सारी बुकों में डिफरेंट है, ठीक है ना। तो जो एग्जैक्ट के आसपास है वो आपकी 17 सितंबर है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, काफी बुकों में आपका अलग अलग डेट भी मिल जाएगी, ठीक है। बट ये अगर किसी बुक में 2015 लिखा है तो गलत लिखा है, सिर्फ 2014 है इसका आंसर। ओके, आपसे पूछा जा सकता है, वही एग्जाम करवा रहा है, क्या पता कभी आ जाए, ठीक है। गरल सुधा रिपू, ठीक है आपका, और मिताई, यहाँ पर लिखा है मिताई। तो इसका जो आपका लोकोक्ति था क्वेश्चन नंबर 18 का, तो वो क्या था आपका, दो विरोधी आपके स्वभाव वाले का मिलन होता है, इसका आंसर ये था, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द का जो उत्सर्ग है, ध्यान रखिए उत्सर्ग का जो संबंध है वो किससे था, तो वो आपका दान से संबंधित था, तो इसका आंसर आपका डी था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, इसमें लिखा था कि ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध एक दूसरे के पद से जोड़ता है, तो उसका आंसर क्या था आपका, समुच्चय बोधक था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, अब देखिए जैसा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि मार्च 2016 में, ठीक है, तो ध्यान रखिए मार्च 2016 में जो अंतरराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता हुई थी वो कहां हुई थी, वो आपके पिथौरागढ़ में हुई थी। तो ध्यान रखिए अटल पेंशन योजना, पहले बात करते हैं अटल पेंशन योजना, इसका आंसर आपका 40 वर्ष है, कि जो मतलब इसमें यह है ना कि किस एज में अधिकतम आयु, देखो जो ये आई थी ना ये 18 से आपका कब आई थी, 18 से 40 तारीख को आई थी, और इसमें ये था कि बचत करनी है। बचत करने का मतलब यह है कि जो भी 31 दिसंबर से, ध्यान रखना है, जो भी 31 दिसंबर से 2015 तक अपना खाता खुलाएगा और 210 रुपए, 210 रुपए मतलब 14 साल से, ठीक है, ये 18 गलत लिख दिया मैंने, नहीं 18 ही है, ठीक है 18 ही इसका सही आंसर है, ठीक है 14 नहीं है 18 इसका आंसर है। तो 18 से, हाँ 18 से जो आपका 40 साल तक जो 210 रुपए जमा कराएगा उसको प्रत्येक वर्ष 40 साल के बाद आपका 5,000 रुपए दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की ये एक परियोजना थी, परियोजना या योजना, परियोजना तो नहीं कहेंगे, परियोजना तो आपके ये डैम वैम के लिए होती है, तो ये एक योजना थी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कभी डेट पूछ दिया जाए तो 31 दिसंबर है और शायद यह बढ़ाने की बात चल रही है, तो अगर बढ़ेगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा। वैसे ये जो डेट है ये आपसे पूछा जा सकता है कि कब तक ऐसी कौन सी डेट है जब तक क्या था इनको, ठीक है, मतलब यह है कि ये जो खाते इतनी तारीख तक खुले हैं ना, इतनी तारीख तक, ये लाभ सिर्फ उनको है कि प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपए मिलेंगे जब वो 40 साल के वर्ष के ऊपर हो जाएंगे। अब ये शायद चेंज होने की उसमें भी है योजना में, अब देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पहले इसको रफ कर देते हैं ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आसानी से दिखाई दे। तो यहां पर जो क्वेश्चन 23 आपको दिखाई दे रहा है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो काशीपुर है, देखिए 23 क्वेश्चन नंबर देखिए, उसमें लिखा है कि जो आपका काशीपुर है, ठीक है ना, जो आपका काशीपुर, उसमें बाल सुंदरी जो, ठीक है, देवी का जो मंदिर है वो आपका, उसमें मेला कहाँ लगता है, तो वो आपका चैती मेला लगता है, ठीक है। और जो चैती मेला है ये आपका काशीपुर, कैसी याद रखिए, काशीपुर में ये चैती मेला बनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं 24 क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है कि 13, इसमें कहा हुआ है, अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि हमारे पास क्या 39 हमारे पास क्या बच्चे हैं और 40 उनका किलोग्राम है, तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। और इसमें कहा है कि अगर आपका अध्यापक बढ़ जाता है, मतलब 40 29 + 1 = 4, तो आपका जो वो आपका 800 ग्राम क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आपका 72 आ जाएगा, ठीक है। आई होप शायद अनुज सर ने आपको ये क्वेश्चन सारे करवाए होंगे, पर कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा आपको रिकॉल करवा दिया, ठीक है। दोनों को माइनस कीजिए, 72 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि किस ग्रंथ में आपका जो आपका गढ़ नरेश श्याम शाह को आपका मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़े वो आपका जो हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है, तो किससे मिलता है, वो आपका तुजुके जहांगीरी से मिलता है, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया कि जो न्यूनतम आपका मजदूरी अधिनियम था वो कब आया था, वो आपका आया था 1948 में आया था। और जो अर्जुन पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हरिदत्त कपाड़िया, ध्यान रखना है हरिदत्त कपाड़िया किस खेल संबंधित है, वो आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। ओके, जो गुप्त वंश है, ध्यान रखिए जो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, आपका श्रीगुप्त था। अगर बात की जाए तो आपको कहीं बुकों में आपका 319 मिल जाएगा, 319 में किया गया था, 319 ईस्वी पूर्व, या फिर आपको मिल जाएगा 320 भी मिल सकता है, तो दोनों ही आंसर सही है। वैसे जो राइट आंसर है वो 319 ईस्वी पूर्व किया गया था, आपका श्री गुप्त ने आपका क्या करा था, आपका गुप्त वंश का संस्थापक किया था, ठीक है ना। और
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा गया है कि हमें गलत युग्म का वो करना था, तो आपका इसका जो आपका बी इसका आंसर गलत था। क्यों? क्योंकि जो विष्णु प्रयाग है वो कहाँ है आपका, चमोली में है, सी से चमोली, तो ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व कहेंगे, मतलब आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पीडी, पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी जो है वो आपके 26 है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। काफी बुकों में आपका 20 दिया है पर वो गलत है, ध्यान रखिए, और नेट में भी गलत दिया हुआ है, तो आप जब भी नेट खोल के देखेंगे 20 है, पर 26 इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए गढ़वाल का बारदोली किसे, यहां पर गढ़वाल का जो एक बारदोली है, ध्यान रखिए, ठीक है, गढ़वाल का बारदोली है तो किस नाम से आपका प्रसिद्ध स्थल है, तो आपका गुंजुड़ू, गुंजुड़ू इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन दिया था कि सपोज करो ये आपका प्रेजेंट डे है और यहां पर लिखा है जो सौजन्य है वो 9 दिन पहले, तो हम 9 दिन बना देंगे और गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 डेज आ रहा है, तो 9 डेज लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सपोज करो आप एक 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 समझा रहा हूं आपको, सपोज करो ये 9 दिन पहले क्या है, ये आज का प्रेजेंट डे है, और 9 दिन पहले क्या है, सौजन्य ने मूवी देखी ऐसे, और वो आपका सिर्फ बृहस्पतिवार को देखती है, तो बृहस्पतिवार जब प्रेजेंट डे में आओगे 9 दिन बाद, मतलब 10 दिन देखो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। भोटिया जनजाति का जो लोकप्रिय गीत है, उपयुक्त सभ्यता इसका आपका सुवेरा, बांझू और तिमली तीनों है आपके। क्वेश्चन नंबर 20-34 का आता है कि जो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद है, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में की गई थी, तो ध्यान रखिए, ठीक है, जो ये राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, ये क्या है, मतलब एक डेवलपमेंट कहते हैं ना, नेशनल नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है कि क्या होता है कि जो जितनी भी योजनाएं चलती हैं, पहली बात तो ध्यान रखिए, सपोज करो किसी लोकसभा ने क्या करा, योजना को बनाया, योजना चल रही है, तो ये जो नेशनल डेवलपमेंट है ना, ये चेक करती है कि योजना सही तरीके से चल रही है, योजना सही तरीके से काम कर रही है क्या, या फिर इंडिया में ये योजना लागू हुई है तो क्या इसका पर्पज है, पहली बात तो यह है, और दूसरा क्या ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेगी, तो इस तरीके से क्या जितनी भी ऐसी चीजें हैं ना, सब क्या करती है आपके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या करती है, वो करती है, ये 1952 में स्थापना हुई है। आपका नटंग देवी, नटंग देवी की पूजा कब की गई थी, नटंग देवी मतलब पूजा कब नहीं की गई थी, मतलब किस जाति की है, तो ये आपका रंग समुदाय की है, ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ज्वारी, ज्वारी क्या है, एक तरीके की फसल है, और इसमें तो कोई इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, एक तरीके की एक तरीके की आपकी, सॉरी, फसल नहीं है, एक नदी है, ठीक है, ध्यान रखिए, आपका फसल नहीं है ये, ये फसल नहीं है आपकी, नदी है, इसका आंसर क्या है आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड की प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी, तो ये आपका डांडा मंडी में बुलाई गई थी, तो ध्यान रखिए। ओके, अब जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है, मतलब कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट कह सकते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जैसे आपका स्टेट में जो स्टेट की जो कैबिनेट होती है वो किसके द्वारा होती है, वो विधानसभा के द्वारा होती है, ठीक है, वैसे विधानसभा को वी से डिनोट करते हैं। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव आपका जो लिस्ट ऑफ मार्शल आपका कॉस्टस ऑफ अल्मोड़ा, ये पुस्तक किसकी है, तो ये आपका गंगाधर तुपरेती की है, इसमें तो कोई कंफ्यूज करने वाली बात ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 40 आपका फीड दिया गया था, तो ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ किस तरीके से किया गया था, तो ये आपका 6 5 5 4 इस तरीके से था, तो इसको जो बनाने का तरीका था ये था कि 6 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं और प्लस 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस फिर तीसरे 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करूं अगर मैं 4 से, तो इसका आंसर आ रहा था 47 आ रहा था। उसी तरीके से हमें क्या करना है, मीट में जाना है, मीट का नंबर क्या आ रहा है, ई का नंबर क्या आ रहा है, ई का एम वाले का जितना नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है, जो आपका ई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और दूसरे वाला जो ई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और टी का जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इक्वल टू जितना आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा, और आंसर इसका क्या था आपका, 118 था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो 1935 में, ठीक है, 1935 ईस्वी में जो आपका जो कौन सा जो आपका अल्मोड़ा से प्रकाशन हुआ था, किसका हुआ था, समता का हुआ था, ठीक है, 1935 में आपका समता का हुआ था, और अगर मैं बात करूं शक्ति का, तो बद्रीदत्त पांडे से संबंधित है, तो 1918 में इसका स्थापना हुआ था, स्वाधीनता प्रजा का हुआ था आपका 1930 के आसपास हुआ था, अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार पहला अखबार था जो कुमाऊनी भाषा का था, और ये आपका 1871 में इसका क्या हुआ है आपका, ठीक है ना, तो ये आया है। ओके, तो चलिए फिर भारतीय संविधान, ठीक है ना, तो भारतीय संविधान की जो आपके संकटकालीन जो आपकी व्यवस्था ली गई है वो कहां से ली गई है, तो आपके जर्मनी से ली गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका,
ए हो जाएगा, ठीक है। और जो श्यामाताल है, तो इस श्यामाताल आपका चंपावत में है, और चंपावत में इसको आपका श्याम जल भी कहा जाता है, और जो चंपावत है इसको आपका कुरमू भी कहा जाता है, इसका नाम है चंपावत का कुरमू भी कहा जाता है, ठीक है ना, और चंपावती भी है इसका नाम, ओके। तो जो ये चंपावत बना था ये 1997 में ये बना था, ठीक है ना। टीरी टीरी आपका 1 अगस्त, आपको पता ही है 1 अगस्त 1949 को, ठीक है, ओके। हाँ, नैनीताल की खोज किसने करी थी? पी बैरन ने करी थी। कब करी थी? आपके 1841 में करी थी। चलिए बात करते हैं 44। करेवा, करेवा किससे संबंधित है? आपके कुमाऊं हिमालय से, आपका सॉरी कुमाऊं हिमालय से नहीं है, ये आपका कश्मीर हिमालय से, ठीक है ना। ध्यान रखिए, यही कंफ्यूज होता है, जैसे मैंने अभी आपका क्या देख दिया, कुमाऊं हिमालय देख दिया, गलती से कुमाऊं हिमालय बोल दिया। इसका आंसर राइट है आपका कश्मीर हिमालय। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात में जो उत्तराखंड की दृष्टि में स्थान है तो वो क्या है आपका, वो आपका 13वां है, तो ध्यान रखिए, ठीक है ना, 13वां स्थान है, और लिंग अनुपात सेक्स रेशो के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या लिखा है आपका, जो आपका धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो धुआंधार जलप्रपात आपका जो है वो आपका नर्मदा नदी पे है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ पर आया था कि जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग जो संविधान में किस अनुच्छेद में, तो आपका 243K में है। और मोहन उप्रेती किससे संबंधित है? तो मोहन उप्रेती आपके हैं सुप्रसिद्ध आपका रंग कर्मी एवं निर्देशक से। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको समझा देता हूँ, ये आपका सन है, उसने कहा है कि जब आप चले ना तो आपके इसमें क्या है आपका राइट हैंड में, तो देखो राइट हैंड इधर की तरफ आएगा, ये आपका सूर्य है, इसका मतलब आप यहां से चले होंगे, तो इसका मतलब जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका पश्चिम की ओर से आप चले थे, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि स्वतंत्र संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किस इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तो वो आपका आंसर आपके क्या थे, महात्मा गांधी जी ने कहा था। अच्छी बातें सारी महात्मा गांधी जी ने ही कही है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखिए, आपको ये ऑप्शन मारना चाहिए था अगर आपको थोड़ा भी डाउट था, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर भारत संविधान, तो भारत संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था, तो वो किसमें है आपकी, 11वीं है। और अगर बात करें तो आपका, आपको इतना पता ही होगा, 73वां संविधान संशोधन था 1992 में लागू कब हुआ था, जो पंचायती, जो आपकी पंचायती, तो 24 अप्रैल 1993 को, 3 को, और जो पंचायत दिवस मनाया था ना, तो आपका 24 तारीख को ही मनाया था, अप्रैल में। इसमें क्या है, गढ़वाल एशियंट एवं मॉडर्न किसने लिखी थी, तो पातिराम ने लिखी थी, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। और उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उनको कहते थे आपके सवाना कहते थे, दिए गए चित्रों में जो थे आपके 12 इसमें थे, और आपकी जो छत्रक शिला पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, मरुस्थल में पाई जाती है, मशरूम होते ना, तो आप नेट में देख सकते हैं, ये आपका मशरूम है, ओके, मशरूम वाली, तो आप उस पर फिगर फिगर देख सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड में जो आपका सिंचाई अनुसंधान कहाँ है, तो आपका रुड़की में है, तो इसका आंसर रुड़की था। अभी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ये किस तरीके से सॉल्व करना था, तो इसमें देखो यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ, वैसे अनुज सर ने शायद आपको ये बताया होगा। तो 75 में क्या करना था आपको, 4% का लॉस हो रहा था, तो इस तरीके से निकालना था, ये आपका 3 आना था, और अब 3 आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, 75 प्लस अगर मैं 3 करूंगा तो 78 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 78 में बेचना था, 3% का लॉस हुआ था, हमें क्या करना है, 20% एक्स्ट्रा वो निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो 120/100 * आपका 78, तो इसका जो आंसर आएगा आएगा ये वाला, ठीक है ना। अब जो गर्जिया देवी है, ठीक है, गर्जिया देवी जो मंदिर है वो किसके किनारे में है, तो आपका कोसी नदी किनारे में है। और अश्वा जो आपका अश्वाक्षांश है वो क्या आपके, आपका उपोषण उच्च दाब पेटी है। और आपका ग्राम पंचायत योग्यता के लिए कौन है, इसका आंसर बी था आपका 243F, ठीक है ना। तो योग्यता योग्यता के लिए आ गया ना ग्राम पंचायत में, तो इसका आंसर क्या 243F के बराबर है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा था कि कुमाऊं में चंद चंद शासन का किसे वो कहा जाता है, आपका जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता जो आपका कुमाऊं चंद में कहा जाता है, तो आपका किसका सोमचंद में कहा जाता है, ठीक है ना। और आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात आपका गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से कहाँ करी थी, तो ये आपके टिहरी में करी थी। और कब करी थी आपके, 1815 में ही करी थी, जब क्या कहता अंग्रेजों ने हड़प लिया था आपका पूर्वी क्षेत्र पूरा, ठीक है ना। और 1926 में आपका जो कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से कौन सी पत्रिका निकाली थी, गढ़ देश निकाली थी। और जो भगत जवाहर मल किस नाम से संबंधित है, तो जो नाम से संबंधित कूका आंदोलन से वो संबंधित है। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आपका कत्यूरी कहा जाता है, ठीक है ना, कत्यूरी साम्राज्य से वो संबंधित है।
ठीक है। तो अब यहां पर आते हैं, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर लिखा है आपका उत्तराखंड का जो प्रथम पावर हाउस कौन सा था, जो प्रथम पावर हाउस था वो आता है गगोली, ठीक है, आपका गलूगी, गलूगी पावर हाउस था। राजा जी, जो राजा जी नेशनल पार्क था वो आपका राजा जी गोपालाचार्य के उसमें बनाया गया था, और 1983 में इसकी स्थापना किसकी हुई थी, राजा जी नेशनल पार्क की हुई थी। और यही राजा जी नेशनल पार्क अभी टाइगर प्रोजेक्ट के लिए भी फेमस है। तो ये आपका 15 अप्रैल आपका, ठीक है, 15 अप्रैल 2005, सॉरी 2015 में आपका क्या है, ये आपका टाइगर प्रोजेक्ट के लिए आया है। तो ये उत्तराखंड का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का पार्क है। ओके, बात करते हैं इस वाले का। अगर आप इसको पढ़ोगे कि इन सबको मिलाना था तो इसका आपका आंसर क्या था, आपका डी था, तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके, आपका जो सहा पदवी, जो एक सहा की उपाधि है, ठीक है, क्वेश्चन को मत देखिए, मेरी मेरी बात सुनिए, सहा की जो उपाधि है वो किसने करी थी, वो बलभद्र ने करी थी। किसने दी थी, तो लोधी वंश ने इसको दी थी, ठीक है ना। आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड में फंक्शन कितने होते हैं, जब आप कीबोर्ड देखोगे ना तो उसमें F1 F2 F3 दिखाई देंगे, तो टोटल आपके 12 होते हैं F12 तक, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो इसमें इसमें सबसे पहले क्या है, तो ध्यान रखिए, इसमें ये दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर जो आप 71 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो शारदा है, काली नदी है, तो काली नदी का उद्गम कहाँ है आपका, तो मिलम के पास से आपका इसका उद्गम होता है। आपका द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखी है, तो जो ये लिखी है ये आपके लिखी है M.N. रॉय ने लिखी है, सॉरी S.N. रॉय ने लिखी है। और ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका रामायण, रामायण के बारे में कथन गलत था, तो इसका ऑप्शन आपका ये था कि ढोल का वर्जित ढोल बजता है इसमें आपका, ठीक है ना, तो वर्जित नहीं है। और निम्नलिखित इसमें से जो MS वर्ड है ना, उसमें रूलर नहीं होता, तो आपका क्या नहीं होता, आपका सेंट्रल इंडेंट नहीं होता। चमोली जनपद की जो स्थापना हुई थी वो कभी थी, 24 फरवरी आपके 1960 में हुई थी, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखिए, ये क्वेश्चन दिया था, तो इस क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करना था, तो सबसे पहले ये आपको सॉल्व करवा देते हैं। ओके, ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाया गया था कि अगर मैं 11 को क्या, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 99, और अगर मैं -10 करूंगा तो 89 आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या था आपका, अगर मैं 12 की बात करूँ तो 12 को मल्टीप्लाई करो 12 से, तो ये हो जाएगा 144, -10 = 134। तो आंसर क्या था इसका, सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे हाट कालिका, हाट कालिका कहाँ था आपका, तो हाट कालिका जो है वो आपका गंगोली हाट में। अगर आपसे सिर्फ कालिका मंदिर पूछा जाएगा तो आपका रुद्रप्रयाग में, ठीक है ना, हाट कालिका गंगोली हाट पिथौरागढ़। निम्नलिखित में से आपका जो ये है, ठीक है, फुल फॉर्म SMPS, ये SMPS आपका कंप्यूटर में लगती है, मतलब CPU में लगती है, CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आपका जो SMPS की फुल फॉर्म है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, जो दीवान सिंह भाकुनी किससे संबंधित है, औषधि वैज्ञानिक संबंधित है। आगरा शहर किसने बसाया था, तो आपका सिकंदर लोधी ने बसाया था, ये लोधी वंश का ही, ठीक है, था। बात करते हैं आपका 81 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है आपका सुंदर डूंगा कहाँ संबंधित है, सुंदर डूंगा आपका सुंदर डूंगा जो है आपका बागेश्वर में है। ध्यान रखिए, जो बागेश्वर है ये आपका सरयू और सरयू नदी, ठीक है, और गोमती नदी के संगम पे है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बागेश्वर इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें क्या है, म्यांमार में प्रसिद्ध जो लोकप्रिय लोकप्रिय आपका नेता थी आपकी आपकी आंग सान सू की, तो वो, मतलब वो किससे संबंधित, वो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेटिक संबंधित थी। और प्रसिद्ध साहित्यकार आपका शैलेश मटियानी कहाँ से हैं, तो शैलेश मटियानी आपका अल्मोड़ा से हैं। और जो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि पीसल V-38 से आपके कितने आपके सिंगल उसमें वो भेजे गए थे सैटेलाइट, तो आपके 31 सैटेलाइट भेजे गए थे, और एक रिकॉर्ड भी कायम किया था, ठीक है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए, जो 52 गढ़ में से, ठीक है, कौन सा गढ़वाल आपका 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं था, तो आपका धोनीगढ़ उसमें सम्मिलित नहीं था। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे शक्तिशाली इन 52 गढ़ों में से कौन था, तो भानु प्रताप थे, जो चांद्रपुर गढ़ी के थे। चांद्रपुर गढ़ी आपका चमोली में पड़ता है, और ये आपके ससुर भी थे किसके, कनक पाल के, ठीक है। कनक पाल आपके 888 ईस्वी में यहाँ भारत आया था, जिसने आपका पवार वंश की भी स्थापना करी थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक सीरीज आई थी, तो इस सीरीज को देखो, जो मुझे बहुत से लड़कों ने इसमें कमेंट किया है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो जो इसका राइट आंसर है वो इस तरीके से बन रहा है, क्योंकि इसमें एक ने मुझे 620 भी इसका आंसर निकाल के दिखाया था। तो आप खुद भी सोचिए, 620 तो इसमें है ही नहीं आंसर, तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं मान सकते ना। आपको UKSSC के द्वारा के आंसर पे देना है, आपको अपना आंसर नहीं बनाना है। अपने आंसर तो लोग पता नहीं कितने बना देंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, इन्हीं के उनमें आंसर देना है। तो इसका आंसर वैसे 120 आ रहा था, किस तरीके से आ रहा था, 0 × 1 × 2 = कितना हो जाएगा, 0। और दूसरा देखिए आप, 1 × 2 × 3 = 6,
ठीक है, और 2 × 3 × 4 = 24, और 3 × 4 × 5 = कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। इसका मतलब क्या बनना चाहिए था, 4 × 5 × 6 = बनना चाहिए था 120। तो इसका आंसर क्या था, सी। तो ये इस तरीके से सॉल्व बनता है, अपने अपने आंसर मत निकाल के। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट किया, क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आंसर ये सही होगा, ठीक है। आप बात बात पर ये मत बोलिए कि 620 इसका सही आंसर है, तो UKSSC वालों ने गलत दिया। UKSSC वालों ने कोई गलत नहीं दिया, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखो, जो दिल्ली का जो राजकुमार है भाई, ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले जो दिल्ली का जो आपका राजकुमार सुलेमान से कहा, किसने वो दी थी, ये दारा शिकोह का पुत्र था, और तो जिसने संरक्षण दी थी उसका नाम था पृथ्वी शाह, ठीक है। जलीली कट्टू, बस जलीली कट्टू से हमेशा याद रखना। आज के बाद तमिलनाडु का ये एक पारंपरिक खेल है, ठीक है। इसमें जो आपका गलत युग था वो था आपका बिछेंद्र पाल, क्योंकि बिछेंद्र पाल आपका पर्वतारोहण है, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान रखिए, और ये भी उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है ना। 1817 में क्रांति के बारे में ये किसने कहा था आपका, यो, ठीक है, यो तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो यह प्रथम और ना ही ये आपके राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम का था। तो ये आपका जो कहा था, ये मजूमदार ने कहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो श्रीनगर है, ठीक है ना। तो जो श्रीनगर में स्थित आपके अजय पाल का जो राजभवन है, वो किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ था, तो 1803 में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पढ़ने लग जाइए, ठीक है ना, क्योंकि पेपर काफी डिफरेंट आने लगे हैं। अब जो भूसंकलन है, भूसंकलन हुआ था, ठीक है ना, जो नैनीताल में, ठीक है, भारी भूसंकलन हुआ था, वो कब हुआ था, वो आपका 1880 में हुआ था। ये आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप वहां से देख सकते हो, ठीक है ना। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, सबसे पहले योजना आयोग था, इसका जो नाम चेंज हुआ था, तो यह आपका 1 जनवरी 2015 में हुआ था, और जो इसकी पहली बैठक हुई थी वो आपके 8 जनवरी को भी थी, 8 जनवरी 2015 को भी थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, तो कुमाऊं परिषद का गठन आपका 1916 में हुआ था। ये कुमाऊं जो परिषद है ना, ध्यान रखिए, कुमाऊं परिषद का जो आपका कांग्रेस में विलय हुआ था, ये 1926 में हुआ था, ध्यान रखिए। यहां पर लिखा है रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, तो आप लिख लीजिए यहां पर 21 अक्टूबर, ठीक है, 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, और वह श्याम से 9 दिन छोटा है। वह श्याम से क्या है, 9 दिन छोटा है, ठीक है ना। तो जब आप यहां पर से 9 माइनस करोगे तो यहां क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। और महात्मा गांधी का जन्म दिवस आपका मंगलवार को आता है, मतलब आपका 2 अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर को आपका कौन है, ठीक है ना। तो रमेश 21 अक्टूबर को हुआ, और जो श्याम है वो 12 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, मंगलवार है, गिनिए इन दिनों को, आपका जो आंसर आएगा वो आपका शुक्रवार आएगा। तो आखिरी के 5 क्वेश्चन, इनको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है जो आपका केदार मंडल पर आपका ललितादित्य ने आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, तो रास तरंगणी किसके द्वारा लिखी गई थी, कलहंड के द्वारा गई थी। कलहंड में क्या है आपका, उत्तराखंड का भी थोड़ा सा बताया जाता है, और ये इसमें आपका कश्मीर का पूरा इतिहास मिलता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। भारत में आपका जो आपका है रॉज, ठीक है, सॉरी सेज, ठीक है, SEZ, ठीक है, और जो सेज है कहां से आई थी, तो ये आपकी चीन से आई थी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, भारत में कब आई थी, ओके। और सेज आपकी 2005 में भारत में आई थी। 28, अब देखो 98 क्वेश्चन क्या है आपका, किस वर्ष अनुसंधान जो संस्थान है, ठीक है, अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में हुई है, पहली बात तो ये। तो 100 साल कब मनाए गए, 2010, क्योंकि जब जरा देखिए 2006 से 1909 में क्या है आपका, ठीक है ना, आंसर यही आएगा 2006, ठीक है। जो जाह्नवी नदी किस नदी से संबंधित है, भागीरथी नदी से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखिए। 100वां क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार आपके जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें मोहरे पाई जाती है, किस तरीके से आपके मेसोपोटामिया से संबंधित है, तो आपके बेलनाकार आपकी उसमें वो पाई जाती है उसमें, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आपको अगर पेपर किसी चीज का सॉल्यूशन करवाना हो तो आप मेरे एजे टुडे का पेज है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। जैसे ये भी मुझे किसी से मिला हुआ है, उस स्टूडेंट्स का मैं थैंक्स करना चाहूंगा जिसने मुझे पेपर दिया है। और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर तो ध्यान दीजिए, और 100वां क्वेश्चन मैं आपको बता ही दिया है, तो इसलिए तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तो यह भी मैं यहाँ पर आपके सेज की बात कर रहा था, तो थोड़ा सा इसे भी देख लीजिए। सेज आपका जो एक्ट है, तो आपको बता ही देता हूँ, तो ये 2002 में नहीं बना था, ठीक है ना। तो ये जो एक्ट आया था, ये आपका 2005 में एक्ट आया था, और ये उस समय लागू हुआ था। कहाँ से आया था, ये आपके चीन से आया था, ठीक है ना। तो
चलिए फिर आगे बात करते हैं, और आगे मिलते हैं आपको। अगर आपको पेपर सॉल्यूशन करवाना होगा तो आप बात कर सकते हैं और एजी टुडे में मुझे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।